ये नेता का दबाव नहीं, नेता है ही ये, तो जो है तो यूपी का आजम खान है, ये पता नहीं कितनी जमीनें हड़पे हुए है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी द्वारा जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने का पीड़ित ने आरोप लगाया है। मामला सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव का है, जहां पीड़ित की 7 एकड़ जमीन पर कांग्रेसी नेता ने बलपूर्वक अवैध कब्जा करते हुए वहां घर निर्माण, सड़क निर्माण सहित धर्म कांटा खोल रखा है। वहीं पीड़ित अपनी जमीन को मुक्त कराने अब दर दर भटक रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जिला ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला के ऊपर पीड़ित कमलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर कांग्रेसी नेता ने जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने बताया वह मुंबई में रहकर काम करता है और उमरी गाँव में उसने कुछ साल पहले 7 एकड़ जमीन खरीदी थी, जहाँ पर खेती किसानी का कार्य करता था, लेकिन कांग्रेस के नेता अपने पावर का उपयोग करते हुए उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और वहां पर धर्म कांटा खोलने के साथ ही आवास निर्माण व सड़क निर्माण करा डाला। साथ ही पीड़ित द्वारा कराए गए बोर पर भी अवैध कब्जा कर लिया व उसकी बाउंड्री वाल को भी तोड़ डाला। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत तहसील में की थी, जहां से फैसला उसके पक्ष में सुनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस नेता जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब ये उन्हें कहीं जबरदस्ती करा थे वहाँ तमाम कब्जा कर ली थी। अब हमारा क्षेत्र आवा उनका लड़का कहा थे कि हमारे लगे लाइसेंस कि हम जो उन्हें तब रीवा के मुख्यमंत्री आ हैं तहसीलदार के फैसला हमारे नाम। हमारा नाम कमलेश्वर प्रसाद मिश्र है, गांव का नाम उमरी है, टोला नादा है। मैं जो है तो यहाँ नादा का मूल निवासी हूँ, वैसे तो बंबई में रहता हूँ, पर यहाँ भी मेरा मकान हो गया है तो मैं जमीन लिया था यहाँ। करीब जो है तो 7 एकड़ जमीन खरीदा था, तमाम मेरा जो है तो वहाँ जोते बोते थे और जो है तो जोत बो कर के खेती करते थे। इसके बाद जो है तो श्री त्रिवी नारायण उर्फ भगत शुक्ला ने जमीन खरीद कहीं बाहर 500 मीटर पूर्व स्थित जमीन खरीदे। अब इसके बाद जो है तो जमीन को बोलते हैं कि हमारी जमीन है, हम जबरदस्ती करते हैं, मारने को दौड़ते हैं, जो है तो अपशब्द बोलते हैं। हमारा जो है तो बाउंड्री गिरा दिए, जो है तो हमारा जो है तो हमारे जमीन में कांटा बनवा लिए, वो रास्ता नहीं था तो रास्ता बना लिए अपने गोदाम के लिए। अब जो है तो दुनिया भर का बवंडर बताते हैं, हमारा बोर बनवाए थे तो बोर जो भी कब्जा कर लिए, उसमें मोटर डाला था पता नहीं कौन निकाल ले गया, जो है तो परेशान करते हैं आए दिन, जो है तो गाली गलौज मार वो उधर जाने नहीं देते। चल रहा था सिरमौर में, तहसीलदार का फैसला मेरे पक्ष में है, जो है तो न्यायालय का फैसला मेरे को स्टे मिला हुआ है जमीन का, जबरदस्ती करते हैं, मकान स्टे में बना दिए हैं, सुनते ही नहीं किसी का, ये तो माफिया गिरी जैसा बात करते हैं। जमीन में गोदाम के कांटा बनवाए हैं, कांटा के बगल में जो है तो मकान बनवा लिए हैं, वहीं पे कर्मचारी लगा दिए, रोज 1,000-2,000 वो कमाते हैं, हमारी जमीन चली गई और 1,000-2,000 वो रोज कमा रहे हैं, जो है तो हजारों ट्रक का जो है तो वो करते हैं, रोज कांटा करते हैं, उससे पैसा 100-200 रुपए रोज लेते हैं। त्रिवी नारायण उर्फ भगत शुक्ला जो है तो मूल निवासी बेलवा सुरसरी सिंह के हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, वहाँ सिमरिया विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और जो है तो यहाँ आके जमीन खरीदे, गाँव में भी चलिए कोई भी कहीं भी जमीन खरीद सकता है, तो यहाँ जमीन खरीदे, अपनी रजिस्ट्री में लिखाए हुए हैं कि रीवा सिरमौर मैनों से 500 मीटर पूर्व जमीन लिए हुए हैं, जिसके पश्चिम में कमलेश्वर प्रसाद की ही भूमि है, अपने खुद मुंह से लिखते हैं कि पश्चिम कमलेश्वर प्रसाद की भूमि है, फिर भी जो है तो पश्चिम पूरा मेरा जो है जमीन हड़प लिए, पूरा जो है वो कर लिए, जो है तो बाउंड्री गिरा दिए, मेरा जो है तो तार बाउंड्री था, तार भी वो हटा दिए, सब जो है तो जबरदस्ती करते हैं। उनका लड़का एक पवन है, वो आए दिन जो है तो जहाँ कहीं उसका मर्जी आता है वहाँ पत्थर गाड़ देता है, चला जाता है, बोलता है मेरे पास लाइसेंसी है, जो है तो अब पास में आओगे तो काम के नहीं रहोगे। अब क्या करें, हम बंबई रहते हैं, हम 6 महीने साल भर में कभी 10 दिन कभी वो हम हर जगह दिए, थाना में दिए, SP को दिए, पुलिस निरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, जहाँ जहाँ मानव आयोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर जगह कागज भेज चुके, आज तक कोई एक पुलिस का सिपाही नहीं आया मेरे घर में कि तुमको कोई तकलीफ है कि नहीं तकलीफ है।
यानी इस तरह से है कि ना तो प्रशासन सुनता है, ना पुलिस सुनता है, ना तहसील का फैसला मानते हैं, ना कोर्ट का फैसला मानते हैं। अपर कलेक्टर ने मेरे पक्ष में फैसला लिखा हुआ है कि जो जमीन जहां पर जैसे स्थिति चौहर्दी है उस आधार पर के जो है तो उसका नक्शा तरमीम किया जाए। अपर कलेक्टर के भी कहा नहीं मानते हैं, ये जो लिखा है दिखाए, कागज दिखाए, उनको दिखाए, तहसीलदार को दिखाए कि साहब मेरा फैसला है, मेरी जमीन मेरे को दिलवा दो। आज तक कोई सुनता ही नहीं है। 181 में लगाए, वो लिख लिए, अब आते हैं ऐसा होगा वैसा हो गया, 6 महीना बोले आपका काम हुआ है, आपका काम हुआ, 6 महीने बाद वो भी चुप हो गए कि जो है तो हो गया तुम्हारा काम। पता नहीं कौन क्या कह दिया, हमारा काम हो गया, हमको कुछ मिला ही नहीं और काम हमारा हो गया, कैसे हो जाएगा काम हमारा। ये नेता का दबाव नहीं, नेता है ही ये, तो जो है तो यूपी का आजम खान है, ये पता नहीं कितनी जमीने हड़पे हुए है। हमारा तो है आगे चल के चलिए तो बढ़ई का है, कोल का है, सबका नक्शा तरमी करके फिर पहुंच जाता है कि हमारी जमीन है। किसी का कहीं भी पट्टा हो, नाजायज हो, जायज हो, ये जाके जमीन खरीद लेगा और फिर नक्शा बनवा के बोलेगा ये तो हमारी जमीन हो गई है, तुम हटो। चाहे घर बनाए हो, चाहे कुआं बनाए हो, चाहे बौली बनाए हो, चाहे बोर करे हो, किसी का सुनता ही नहीं ये आदमी। इतना माफिया है, अपने आप को बोलता है मैं रीवा का मुख्यमंत्री हूँ। अब क्या कहें कि मुख्यमंत्री है कि आम आदमी हमारे जैसा है, समझ में नहीं आता है।